Exercise 1.4, question number 6. Let star be the binary operation on natural number given by. क्या रिलेशन आपको given है? A star B equal LCM of A and B. ये आज हमको given है, okay? Find 5 star 7. According to problem, 5 star 7 means LCM of 5 and 7. So 5 or 7 ka LCM 5 into 7, that means 35. Okay. Isi mein next part tha aapka 20 into 16. 20 into 16 means LCM of 20 and 16. So side par hum 20 and 16 ka LCM lenge. 2 से डिवाइड होगा तो 10, 8, नेक्स्ट होगा 5, 4, नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा तो सेकेंड ही नंबर 2 से डिवाइड है जिसने 2 आ गया इस पर, फिर 2 से डिविजिबल है 2 तो 1 आ जाएगा, अब 5 से डिविजिबल 5 है तो ये आपका 1 है, तो फाइनल वैल्यू आपकी प्रिपेयर हो गई 2 into 2, टोटल है आपके 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स हैं स्टूडेंट, ठीक है, फिर इंटू 5, दैट मीन्स 8 into 5, 40. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका, इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव. तो कॉम्यूटेटिव रूल आपको बताया गया है क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए, ठीक, टेकिंग एलएचएस, ए स्टार A star B means है आपका इस बार LCM of A and B. Similarly, अगर हम LCM of A and B लिखें या हम LCM of B and A लिखते हैं, meaning तो same होए कि चाहे हम A और B का LCM ले या B और A का, okay? तो इसको लिखा जा सकता है B star A. यही हमारा A था. LHS लिया, आ क्या गया? RHS. तो इन्होंने पूछा इज स्टार कॉम्यूटेटिव, यस. थर्ड पॉइंट है आपका इज स्टार एसोसिएटिव. तो अब हमको चेक करना है गिवन ऑपरेशन क्या एसोसिएटिव होगा. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी टेकिंग एलएचएस. तो ए स्टार B star C, ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा, B star C means होगा LCM of B and C. अब इसको मर्ज करेंगे A star B star C से, तो B star C का रिजल्ट यहाँ पे रखिए, क्या हो जाएगा LCM of B and C. तो अब इसको कंबाइन वे में क्या बोल सकते हैं, भाई फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर के साथ LCM लिया जाए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, आरएचएस. आरएचएस हमारा ए स्टार बी स्टार सी. तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए स्टार बी. ए स्टार बी का मीनिंग होगा आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक. अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए एलसीएम ऑफ ए एंड. अब इसका एलसीएम हो रहा है स्टूडेंट सी के साथ, तो रिजल्ट हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, बोथ आर सेम, एलएचएस इक्वल आरएचएस, दैट मींस यस. इन्होंने पूछा था क्या ये एसोसिएटिव होगा, यस, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, फोर्थ पार्ट है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट. बच्चों फॉर्मूला होता है A star E equal A equal E star A, मतलब जो भी आप इनपुट करोगे तो आफ्टर ऑपरेशन आइडेंटिटी के साथ तो जो इनपुट वही आउटपुट. तो आइडेंटिटी का रूल क्या है, जो भी हम इनपुट करेंगे वही हमको क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए, ओके. तो अब आज का रिलेशन है आपका A star B LCM of A and B. तो हमने सबसे पहले कंसीडर करा A star E, तो यहां पे निकालेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी.
अच्छा एम क्या है, ए आउटपुट में आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ई की वैल्यू कितनी हो जाए, वन हो जाए। अच्छा वन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन की फैमिली दी हुई है वो नेचुरल नंबर थी, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड वन, ठीक है। ए एंड वन का एलसीएम बच्चों ए होता है, राइट। सिमिलरली अब हमने कंसीडर करा ई स्टार ए, तो यहाँ पर भी मीनिंग हुई कि एलसीएम ऑफ ई एंड ए। तो अब हम एज्यूम कर चुके हैं ई कितना है, वन। चलो वेरीफाई करते हैं, तो वन एंड ए। अब समझिए वन और ए का एलसीएम भी ए होगा, ठीक है। दोनों ही केसेस से आउटपुट सेम आ रहे हैं, और रूल क्या है, जो इनपुट वही आउटपुट। तो श्योर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका वन, और वन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, क्या कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। तो हमको बताना है कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इन्वर्टेबल है इस नेचुरल नंबर सेट में, ठीक है। तो इन्वर्टेबल होने के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ए स्टार बीटा इक्वल ई बी स्टार ए, और ये जो बीटा है यही आपका है इनवर्स एलिमेंट, ओके। तो आप देखिए ए स्टार बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, ई। तो ए स्टार बीटा मींस एलसीएम ऑफ ए एंड बीटा। अब आप आइडेंटिटी प्रूफ कर चुके हैं, तो आइडेंटिटी की वैल्यू स्टूडेंट आई है वन, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये तभी पॉसिबल है, डिपेंड ओनली के जब ए भी वन हो और बीटा भी वन हो, ठीक है। अब हमने इसी का दूसरा केस लिया बी स्टार ए, तो B star A भी E होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की वैल्यू है 1, तो लिखेंगे LCM of beta and A, ये 1 है, ये तभी पॉसिबल है जब बीटा 1 हो और A भी 1 हो। तो कंफर्म हो गया इनवर्स जो एलिमेंट है वो है 1, और 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग भी करता है, इसलिए वैलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इज स्टार डिफाइन ऑन द सेट। अब आपको एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन 7 पे, इसका नाम हमने ए दे दिया 1 2 3 4 5, ओके। और साथ में ऑपरेशन दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको बताना है स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो हमने आपको समझा रखा है बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ए स्टार बी आफ्टर सॉल्विंग ए सेट में आना चाहिए। अगर ए भी एलिमेंट ए सेट से बाहर है तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है अब हम ऐसे एलिमेंट्स लें जिसपे हमारा रिलेशन फेल हो। तो देखो स्टूडेंट, हमने लिया 3 एंड 4, तो 3 स्टार 4 निकाला। वैसे बहुत सारे हैं, 2 एंड 5 है, ठीक है। रेंडम जो आपको दिखे एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसके थ्रू फेल हो जाए, बस वहीं से कहानी खत्म। तो 3 स्टार 4, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो ये आपका हो जाएगा 12, और 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर उस सेट के बाहर जा रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन पे नहीं आता है, ओके स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन 8, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन मींस नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी। तो आज स्टूडेंट कैसे डिफाइन हो रहा है, ए स्टार बी लिखा हुआ है एससीएफ ऑफ ए एंड बी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस स्टार इज कॉमेटेटिव, इस स्टार इज एसोसिएटिव। तो पहले दो चीज प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है केस कॉमेटेटिव है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो फॉर्मूला होता है ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए। तो टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी, तो ए स्टार बी मींस एससीएफ ऑफ ए एंड बी,
अच्छा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी करें या हम एचसीएफ ऑफ बी एंड ए करें, दोनों ही तो इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये बी स्टार ए हो गया, विच इज आरएचएस। इसका मतलब है ये कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव, तो फॉर्मूला अभी एलसीएम वाले पार्ट में आपने समझे, ये ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो आपने एलएचएस लिया, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले बी स्टार सी की मीनिंग रख ली जाए, क्या होगी मीनिंग, एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। अब ये एचसीएफ ऑफ बी एंड सी है, ठीक है, फिर से यहाँ पे ऑपरेटर सेम लगा हुआ है। तो अब इसको जब मर्ज करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का ऑपरेटर मर्ज होकर हमें क्या दे रहा है, एचसीएफ ही तो दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, कंबाइन करके लिख सकते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब आ जाइए आरएचएस, ए स्टार बी स्टार सी। सिमिलरली ए स्टार बी का मीनिंग होगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, अगेन स्टार। अब इसको फिर से मर्ज करिएगा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं LHS equal RHS, that means yes, okay। अब स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट पढ़िए, थर्ड लिखा हुआ है does there exist identity for this binary operation on natural number, okay। तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, अब हमको चेक करना है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब है जो इनपुट वही बच्चों आउटपुट, ठीक है। तो हमने एक पार्ट कंसीडर करा ए स्टार इक्वल, अब यहाँ पे हमने लिया ए स्टार ई का मीनिंग, तो एस सी एफ ऑफ ए एंड ई इक्वल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये है ई ऐसा कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जिसमें हम एस सी एफ लें और वो ए के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर तो स्टोरी तभी सही हो पाएगी जब ई सेम एलिमेंट हो जाए। तो इसका मतलब हुआ टू के लिए अलग आइडेंटिटी, थ्री के लिए अलग आइडेंटिटी, फोर के लिए अलग आइडेंटिटी। बच्चों एक बात जान लो, आइडेंटिटी और इनवर्स यूनिक होते हैं। जब यूनिक होते हैं तो इसका यहाँ पे कोई मतलब भी तो नहीं बचा, ठीक है। तो जब यहाँ पर मोर देन वन रिजल्ट आने लगेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अपनी बात को वेरीफाई भी तो करेंगे, तो यहाँ वेरीफाई करते हैं इफ एंड ओनली इफ ई इक्वल ए। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिखा एस सी एफ ऑफ ए एंड, तो बच्चों ए आ गया। लेकिन यहां पर अब हमने और एग्जांपल दिए, आइडेंटिटी ऑफ टू, दैट मींस टू, आइडेंटिटी ऑफ थ्री, दैट मींस थ्री, ठीक है। तो अप टू सो ऑन, बट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अब ये यूनिक होता है और यहाँ तो स्टूडेंट मोर देन वन आंसर आ रहे हैं, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट डज नॉट एक्सिस्ट, या आपका एक्सिस्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस स्टार्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलोज। इस पे क्वेश्चन आपका नीचे दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। अगर हम क्वेश्चन 10 को भी इसमें मर्ज कर दें, क्या लिखा हुआ, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। तो करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में तीन तीन चीजें चेक करनी है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, ठीक है। तो 9-10 को अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है, तो 9-10 हम लोग मर्ज करके करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 and 10, इसको मर्ज करके करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। तो अब हमें इसमें तीन चीजें चेक करनी है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, ये हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, टेकिंग एलएचएस। तो ए स्टार बी मींस ए माइनस बी, आरएचएस बी स्टार ए
ये स्टूडेंट हो जाएगा बी माइनस। अब आप देख पा रहे हैं बोथ आर डिफरेंट, एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, तो इट इज नॉट कॉमेटेटिव। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगेन टेकिंग एल एच एस बी स्टार सी, स्टूडेंट इन्होंने क्या करा हुआ है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करा, ए स्टार बी ए माइनस बी, सिमिलरली बी स्टार सी बी माइनस सी। अब हम इसको एक एलिमेंट मान के चलेंगे, तो स्टार का ऑपरेशन क्या है, जहां जहां स्टार है बच्चों वहां पे माइनस लगाना, एक रूल है स्टार हटेगा माइनस लगेगा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो रूल तो हम लोग सीख चुके हैं, स्टार हटेगा माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस लगेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस का सी है और यहाँ पे प्लस का सी है, तो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स की। फॉर्मूला होता है ए स्टार बी इक्वल ए स्टार ई स्टार ए। तो अब आपने ए पार्ट कंसीडर करो, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ए माइनस ई इक्वल ए, तो ए से ए कैंसिल, ई इक्वल्स जीरो, तो जीरो तो एक रेशनल नंबर है तो होने के चांसेस हैं, बट आइडेंटिटी यूनिक होती। अगर दूसरे केस में ई की वैल्यू कुछ और आती है तो हम लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो दूसरा केस, रूल्स के अकॉर्डिंग आपने ई माइनस ए करा और इसको शिफ्ट करा, तो आप लोग चेक कर पा रहे हैं दोनों ही वैलिड, बट यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मोर देन वन है, और मोर देन वन होने की वजह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, सो आइडेंटिटी Does not exist। बच्चों यहाँ पे identity exist नहीं करेगी। Okay? अब हम लोग बात करते हैं इसी के second part की। देखिए second part क्या कह रहा है, a star b, तो a square plus b square, तो meaning क्या है, बहुत ही simple सा meaning है, star हटेगा plus तो लगेगा, but अलग अलग यहाँ पे square भी हो जाएगा, first पे भी square हो रहा और second पे, check करो ए पे भी स्क्वायर हो रहा और बी पे भी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मेट आपको बना बनाया मिलेगा, आपको खुद से नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कॉमेटेटिव लॉ। तो कॉमेटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RHS B star A, तो B square plus A square, तो LHS equal RHS, तो it is commutative, okay? इसी के associative की बात करते हैं, A square plus B square, पिछले वाले पार्ट में आप देखिएगा हमने commutative proof करा है। तो अब बात होती है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, ए स्टार बी स्टार सी, टेकिंग एलएचएस, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी पे भी स्क्वायर और सी पे भी स्क्वायर और स्टार की जगह पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ए पर भी स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले नंबर पर भी स्क्वायर, आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट आप फर्स्ट पे भी स्क्वायर आएगा और सेकेंड पे भी स्क्वायर, बट बोथ आर डिफरेंट,
क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपके सेम नहीं आ सकते, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो इसका सी नाम दे देते हैं और इसका नाम आप बी दे दीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा आप लोग को। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए, तो ए स्टार ई, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल ए, तो ई स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर ई, ठीक है। अब ये तो नंबर पे डिपेंड करता है कि रेशनल है कि इरेशनल, इरेशनल भी तो हो सकता है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से रेशनल से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डस नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की, तो बच्चों थर्ड पार्ट है ए स्टार बी ए प्लस ए, ओके ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले वही वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी, तो चेक करो इसमें ऑपरेशन किस टाइप का लगा हुआ है, पहले लिखा गया है फर्स्ट एलिमेंट, फिर प्लस, फिर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट मतलब ए, ठीक है। तो सिमिलरली आरएचएस बनाते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, वो बच्चों है बी प्लस बी ए, ये है ए प्लस ए बी, अगर हम बी ए को ए बी लिख भी दें तब भी नॉट इक्वल है, यहाँ बी ऐड हो रहा है यहाँ ए ऐड हो रहा है, बोथ आर डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस नॉट इक्वल आरएचएस, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसी के सेकंड पॉइंट की, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ध्यान दे सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, टेकिंग एलएचएस ए स्टार B star C, तो रूल्स के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखेंगे, B, फिर B और C का प्रोडक्ट, रूल्स क्या है, पहले फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, यही तो रूल है। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, फिर फर्स्ट और सेकंड का यहाँ पे प्रोडक्ट रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए ए बी प्लस ए बी सी। अब हम लोग बात करेंगे आर एच एस, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी, ये तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई आपको करना है सेकेंड एलिमेंट से, तो ए प्लस ए बी, तो ए सी और ए बी सी, ठीक है। ये देखिए दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा, ओके। नाइन्थ के थर्ड पार्ट की चेक करने जा रहे हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या दिया हुआ था आपका ऑपरेशन ए प्लस ए, तो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का ए स्टार ई इक्वल ए, ठीक है, ई स्टार ए, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट कंसिडर, तो रूल्स के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, ओके, तो ई इक्वल जीरो, एक तो ये केस है, तो ये आपका आया है फर्स्ट वाले केस, अब बढ़ते हैं सेकंड, ई स्टार ए, यूनिक आ गया तो वैलिड हो जाएगा ई प्लस ई, क्यों, क्योंकि रूल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमको ई की वैल्यू निकाल, तो यहां से कॉमन हो गया, तो e इक्वल a अपॉन 1 प्लस a, तो देखो दोनों ही रेशनल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं बट यहां पे दोनों सेम नहीं, तो लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज आइडेंटिटी
एलिमेंट इज नॉट यूनिक। अब ये यूनिक नहीं है, सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट भी नहीं होगा। ओके अब बच्चों आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए स्टार इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग वही चेक करें, कॉमेटेटिव लॉ, ठीक है पूरा लिख लीजिएगा, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार टेकिंग ए स्टार बी। तो ए स्टार बी का इन्होंने अपना एक रूल बना के दिया, ए में बी को माइनस करना और फिर होल स्क्वायर। अच्छा अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर दैट मीन बी स्टार ए, यही तो होगा विच इज आर एच एस। तो श्योर हो गया इट इज कॉमेटेटिव। ओके अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड लॉ। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है टेकिंग एलएचएस। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इनका रूल दिया हुआ है। अब इसको इनके रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करेंगे और फिर होल स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट एलएचएस है। अब बात करते हैं आरएचएस की, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये बच्चों हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में सेकेंड वाला एलिमेंट माइनस होगा फिर अगेन होल स्क्वायर। गौर से देखो यहाँ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी, बोथ आर डिफरेंट। LHS not equal RHS, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एसोसिएटिव, या आपका एसोसिएटिव लॉ नहीं। ओके हम लोग इसी के फोर्थ पार्ट की आइडेंटिटी चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर्मूला ए स्टार ई इक्वल ए स्टार ई स्टार ई, तो हमने कंसीडर करा ए स्टार ई, ये हो जाएगा ए माइनस ई का होल स्क्वायर। तो ए माइनस ई अंडर रूट ए, तो ई की वैल्यू ए प्लस रूट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रूट ए जरूरी थोड़ी ना कि हर ए सॉल्व हो जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट Does not exist, ये आपका exist नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की, फिफ्थ पार्ट क्या है, ए बी अपॉन फोर। उसमें फर्स्ट वाला पार्ट चेक करिए, कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा ए स्टार बी इक्वल बी स्टार टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपॉन, अब आर एच एस बी स्टार ए, तो इसको आप लिख सकते हैं बी ए अपॉन बी ए, को अगर हम ए बी लिखते हैं तो प्रोडक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो बच्चों बताइए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कॉमेटेटिव। ओके अब हम बात करते हैं इसी में एसोसिएटिव, तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी स्टार सी, तो बी स्टार सी या आपका हो जाएगा बी सी बाय फोर। तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट का सेकेंड प्रोडक्ट और फोर से डिवाइड, यही तो हमारा रूल। अब फर्स्ट का सेकेंड में प्रोडक्ट और फोर्थ से डिवाइड, ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन सिक्सटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आर एच एस, तो आर एच एस का फॉर्मूला ए स्टार बी स्टार सी,
तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन फोर। तो बच्चों फर्स्ट का सेकंड पे मल्टीप्लाई अपॉन फोर, तो ए बी सी अपॉन सिक्स। तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये आपका हो जाएगा इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसी में थर्ड पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है फॉर्मूला ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। तो इसमें भी हमने फर्स्ट पार्ट लिया ए स्टार ई इक्वल ए, तो रूल के अकॉर्डिंग ए ई अपॉन फोर ए है, तो ए से ए कैंसिल। फोर एक रेशनल नंबर में, पर प्रॉब्लम तो यही आती है यू निकालना चाहिए, तो हम सेकंड केस भी लेंगे। तो सेकंड केस है आपका ई स्टार ए इक्वल ए, तो ई ए अपॉन फोर ए से ही से बना देते हैं, ए से ए कैंसिल आउट, तो फोर इज रेशनल नंबर, दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे एक्सिस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट नाइन का सिक्स ए स्टार बी ए इंटू बी स्टार ये। ठीक है, तो इस पे कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। तो सबसे पहला वर्ड बात करते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ। तो फॉर्मूला होगा ए स्टार बी इक्वल बी स्टार टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी, इसका मतलब है फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर आरएचएस। इसमें क्या होगा फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर, बट ये तो सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बी का स्क्वायर इसमें ए। ठीक है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव। फॉर्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी टेकिंग एलएचएस ए स्टार बी स्टार सी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर। अब फिर इसको ऑपरेट होगा, फिर स्टार आ गया, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों आफ्टर सॉल्विंग आएगा ए इनटू बी स्क्वायर सी की पावर फोर, ये हमारा ए। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी में आर एच एस ए स्टार बी स्टार सी। तो फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट है अभी सेकंड है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे सी की पावर फोर है बट यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो क्या होगा एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर्मूला तो वही है ए स्टार ई इक्वल ए ई स्टार, तो हमने इसमें भी फर्स्ट पार्ट कंसीडर करा, रूल क्या है ए इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस माइनस, अभी तो चांसेस देख रहे हैं आने के। अब देखते हैं बच्चों ई इंटू सेकेंड का स्क्वायर, तो E इक्वल वन बाई ए, कहानी यहाँ पे खत्म, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मोर देन बना है। ठीक है, तो फिर से वही स्टेटमेंट, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक सो आइडेंटिटी डस नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 11 क्या लिखा हुआ है ए इक्वल एन बाय एन। ठीक है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमन, तो ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। नेक्स्ट पेज टर्न करिए, सो दैट स्टार इज कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी वही वर्क होगा कॉम्पिटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी,
equal C comma D star A comma B. So taking LHS, A comma B star C comma D. तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड में, टेकिंग आरएचएस सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा डी. तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड में. तो ए प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस डी, डी प्लस डी, दोनों इक्वल होंगे तो एलएचएस इक्वल आरएचएस. तो इट इज कॉमन. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 में एसोसिएटिव चेक करेंगे. तो एसोसिएटिव क्या होता है? ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, ठीक है, स्टार ई कॉमा ई, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा है. अब हमने ब्रैकेट लगा दिया सी डी और ये, क्योंकि यहां लगा हुआ ए बी और सी डी पे. एल एच एस ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा, फिर क्या है? ई कॉमा है. तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में, यही तो इन्होंने रूल दिया हुआ. फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकेंड सेकेंड में. सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पे ऐड होगा. टेकिंग आरएचएस, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग ए कॉमा डी स्टार सी कॉमा डी ई कॉमा. तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ. अब फिर वही स्टार हो गया. तो रूल क्या है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड में. तो एल एच एस इक्वल आर एच एट इज एसोसिएटिव. ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव. अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट. इन्होंने बोला हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट. अच्छा, फैमिली याद रखिएगा. आज की फैमिली है नेचुरल क्रॉस नेचुरल, ठीक है. तो पहले तो यहाँ पर रूल लिख देते हैं ए कॉमा बी स्टार इवन कॉमा ई. अब आपके माइंड में चल होगा सर ये क्या कर दिया भाई? आइडेंटिटी भी तो ऑर्डर्ड पेयर में लेना होगा क्योंकि क्वेश्चन का एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इवन कॉमा ई टू स्टार ए कॉमा बी. जो इनपुट वही आउटपुट. तो इनपुट में लिया है ए कॉमा बी, तो आउटपुट में भी क्या आएगा? ए कॉमा बी, ठीक है. तो अब हमने फर्स्ट एंड लास्ट केस कंसीडर करा है. सब बच्चे ध्यान दें. ओके, तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड. इन्होंने अपना रूल बना के आपको दिया हुआ है. चेक, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड. तो अब टू ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल होगी और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल होगा. तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 00 आएगा. डस नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर. तो एलिमेंट जो आया है लेकिन वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट डस नॉट एक्सिस्ट. तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो पहले तो हम आपको एक बात बता दें, नेचुरल नंबर प्लस और मल्टीप्लाई में ही बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है. क्यों? दो नेचुरल नंबर ऐड करोगे या दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा. लेकिन डिवाइड और सबट्रैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, तो सब बच्चे ध्यान दें. 12th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फॉर एन आर्बिटरी ऑपरेशन ऑन एन. तो आज की फैमिली है बच्चों नेचुरल नंबर. तो अब हमने काम करा, यहां पर हमने प्लस ऑपरेटर ले लिया. तो ए प्लस ए इक्वल ए नॉट इक्वल, क्योंकि ए प्लस ए बच्चों होता है 2a, ठीक है. यदि आपका ट्रू नहीं है इसलिए यहां पे क्या लिखे? फॉल्स. ओके, सेकेंड केस. सेकेंड केस में आपको दिया हुआ है ए स्टार डी स्टार सी, सी स्टार डी
एंड स्टार ए। तो इसमें आप चेक करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं आर एच एस, सी स्टार बी स्टार ए। तो सी स्टार बी को बी स्टार सी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ दो ही ऑपरेटर है, प्लस या मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें भी तो ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई में आपका ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, चाहे 2 प्लस 3 करो, चाहे 3 प्लस 2 करो, चाहे 2 इंटू 3 करिए, चाहे 3 इंटू 2 करिए, इसका मतलब यहाँ पर भी कॉम्यूटेटिव होल्ड होगा। ये तो इक्वल आ रहा है, विच इज इक्वल टू एल एच एस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 13th नंबर, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या है, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, बोथ, नाइदर। तो पहले चेक कर लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने चेक करा कॉम्यूटेटिव, तो ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो टेकिंग एल एच एस ए स्टार, तो क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, टेकिंग आर एच एस बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू भी तो लिख सकते हैं, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये तो पास है, दैट मीन्स इट इज कॉम्यूटेटिव, ओके। अब हम बात करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट के लिए एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का फॉर्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, टेकिंग एल एच एस ए स्टार बी स्टार सी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब, अब फिर स्टार आ गया तो फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब। अब आप आर एच एस कीजिए, ये क्या होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ए क्यू प्लस बी क्यू, अब फिर से वही रूल, फर्स्ट नंबर का क्यू प्लस सेकेंड नंबर का क्यू। अब आप देख पा रहे हो यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यूब है, वहां ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब है, तो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव, या आपका एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, नो इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट।